हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 15 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। देखो, जो पहली न्यूज़ आई है आज, वो आई है करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। काफ़ी लंबे टाइम से खैर करतारपुर कॉरिडोर की न्यूज़ है वो हमेशा सुर्खियों में रही है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या अभी कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है। कंटेक्स्ट बेसिकली ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है, तो इसी को लेके कुछ थोड़ी बहुत मतलब जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उनके बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन या बोल सकते हो कि प्रॉब्लम है वो चल रही है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँ कि पाकिस्तान ये मांग कर रहा है कि भाई जो भी करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू इंडिया से तीर्थयात्री पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, उस पर तीर्थयात्री $20 उनसे लिया जाएगा शुल्क चार्ज। मतलब $20 है वो हर पर्सन से चार्ज के तौर पे वसूला जाएगा। तो इंडिया कह रहा है कि नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कम वगैरह को लेके कुछ आप बोल सकते हो कि नेगोशिएशन वगैरह चल रही हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि करतारपुर कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ किसको कनेक्ट कर रहा है। और एक रिवर की बात है, देखो करतारपुर कॉरिडोर है ना, बेसिकली ये एक 5-6 किलोमीटर का एक स्ट्रेच वे से है, 6.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है या कॉरिडोर है, जो कि इंडिया में गुरुदासपुर है जगह है और पाकिस्तान में जगह है करतारपुर, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। अब ये दोनों जगह इम्पोर्टेंट क्यों है वो हम देखते हैं। देखो, जो करतारपुर नाम की जगह है पाकिस्तान में, यहाँ पे गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा दरबार साहिब। और एक इंडिया के अंदर जो गुरुदासपुर है, यहाँ पे है डेरा बाबा नानक सराइन। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट सिख तीर्थयात्री इस रास्ते से जाते हैं और इनके लिए मतलब आवागमन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस रास्ते, इसीलिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की फैसिलिटी ये होगी कि भारत से जो तीर्थयात्री हैं वो बिना वीजे के पाकिस्तान इस कॉरिडोर मतलब जो करतारपुर गुरुद्वारा है यहाँ तक जा सकते हैं। ये इसकी नई फैसिलिटी यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि ये जो इसमें ब्रिज वगैरह भी बनाया जाएगा जो कि बेसिकली रावी रिवर के ऊपर है। तो यूपीएससी आपको पूछ सकती है कि करतारपुर कॉरिडोर है वो कौन सी नदी से गुजर रहा है वगैरह, अभी फैक्ट पता होना चाहिए कि रावी नदी के किनारे पे है। और इसी के साथ वैसे टोटल जो अगर हम बात करें तो लाहौर की जो इम्पोर्टेंट बात आती है, वहाँ से 120 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये बना हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट थे करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP। कंटेक्स्ट देखो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट है वो कर दिया है। बेसिकली मथुरा से इसकी स्टार्टिंग या आप बोल सकते हो कि अनाउंसमेंट के तौर पे इसको स्टार्ट है वो किया गया था। इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसके टारगेट क्या क्या हैं और कैसे गवर्नमेंट उनको मतलब अचीव करने के लिए स्टेप है वो उठाने वाली है। देखो, ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली हमारे देश में जो केटल हैं, मवेशी हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में पशुधन है, जिसकी आबादी हम बात करें यानी कि इंडिया में लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा पशु हैं, मवेशी हैं, वो लोग पालते हैं। बट दिक्कत क्या है, इंडिया में जो पशु है ना, या बोल सकते हो गाय भैंस वगैरह और भी जो दुधारू पशु वगैरह हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। देखो, प्रोडक्टिविटी कम होने के पीछे कई रीजन्स हैं। वैसे एक रीजन तो यह है कि इंडिया का जो एरिया वो आपको बताया थोड़ा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में आता है। और ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है कि डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। मेनली टेम्परेट रीजन जैसे होते हैं वहाँ पे डिजीज़ वगैरह कम फैलती है, इसलिए वहाँ के पशुओं को बीमारियाँ कम होती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि नीदरलैंड, डेनमार्क, UK वगैरह, वहाँ के जो पशु वगैरह हैं, गाय हैं, वो काफ़ी अच्छा दूध देती हैं और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में आते हैं और टेम्परेट रीजन में क्या होता है, वहाँ पे ओब्वियसली गर्मी कम होती है और ठंड ज़्यादा होती है, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बीमारियाँ कम फैलती हैं, तो खर्चा है, कॉस्ट वो भी कम पड़ जाती है। बट इंडिया में सबसे दिक्कत क्या है कि भाई पशु तो खूब हैं बट प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत कम है और बीमारियाँ उनमें काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं। तो जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी एक आर्टिकल में बताया था कि गवर्नमेंट जो फुट एंड माउथ डिजीज होती है, जिसमें क्या होती है, जानवर का मुंह में छाले हो जाते हैं और पैरों के जो होते हैं खुर वगैरह वहाँ पे भी छाले हो जाते हैं, तो वो काफ़ी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पशुओं के लिए, तो उस रोगों को रोकना है। इसी के साथ ही एक है ब्रुलेसोसिस। तो ब्रुलेसोसिस क्या है इसको हम आगे देखने वाले हैं। देखो, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में लगभग 500 मिलियन जो केटल्स हैं इनका वैक्सीनेशन टीका कार्यक्रम चलाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी फंडिंग है इस प्रोग्राम के लिए वो सारी की सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मतलब 100% जो फंडिंग है वो सेंटर द्वारा दी जाएगी। 5 साल के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, 2024 तक, यानी कि 2019 से लेके 2024 तक ये प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है।
इसके बाद में इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इस प्रोग्राम में दो इम्पोर्टेंट डिजीज को फोकस किया गया जो कि मेनली सभी पशुओं में पाई जाती हैं। एक तो होगी फुट डिजीज और एक माउथ, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि भाई जो ये फुट और जो माउथ डिजीज हैं जो कि काफ़ी कॉमन है पशुओं में, इनको 2025 तक कंट्रोल किया जाए और 2030 तक इनको एलिमिनेट या इंडिया से ख़त्म कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट के इसमें टारगेट है वो रखे गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्रुलोसिस डिजीज के बारे में कि क्या है यह ब्रुलोसिस डिजीज। देखो ये एक डिजीज है जो कि एक इन्फेक्शन से फैलती है और एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया वो इंपॉर्टेंट, वो है ब्रुसेला। ब्रुसेला बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन है, जूनोटिक इन्फेक्शन है, वो फैलता है। और होता क्या है, जो भी पशु पीड़ित है उससे क्या होता है, फिर अगर उसके दूध वगैरह उसके जो प्रोडक्ट हो गए, जैसे मान लो कि किसी गाय में ये डिजीज है जीन्स इसकी वजह से, जो बैक्टीरिया है ब्रुसेलोसिस इसकी वजह से, तो इस गाय का अगर कोई भी जैसे प्रोडक्ट हो गया, मतलब गाय का दूध हो गया, घी वगैरह अगर कोई भी पर्सन कंज्यूम करेगा तो उसमें भी यह बीमारी फैल जाती है। इसीलिए इसको कर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी सारे फोकस है वो कर रही है। देखो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं जानवरों से जो प्रोड्यूस होते हैं उनसे यह फैल जाते हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में भी स्प्रेड होता है, इसी के साथ पर्सन टू पर्सन भी फैलता है और हवा से भी फैलता है। क्योंकि हवा में जब हम सांस लेते हैं तो जो एरोसोल पार्टिकल या बोल सकते हो कि हवा में जो कण पाए जाते हैं उनसे स्प्रेड है वो हो जाता है। अब इसको ब्रुसेलोसिस इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इसको मेडिटेरियन फीवर या भूमध्य सागर बुखार, इसी के साथ ही माल्टा फीवर, गैस्ट्रिक रेमिनेंट फीवर या फिर एंडुलेंट फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसके कुछ नाम हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है K2-18b के बारे में। देखो K2-18b है वो एक एक्सोप्लेनेट है जो कि 2015 में डिस्कवर किया गया था। नासा का स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है केपलर, तो जो केपलर स्पेसक्राफ्ट है इसके द्वारा इसको खोजा गया था। अब पहली चीज आपके लिए यहाँ पे आ गई कि भाई एक तो ये एक्सोप्लेनेट क्या होता है। देखो एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो कि हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम के बाहर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट पाए जाते हैं उनको एक्सोप्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मतलब सोलर सिस्टम है, इसके बाहर जो प्लैनेट है उनको सोलर एक्सोप्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो एक एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम है K2-18b, ये आप ध्यान में रखना, जिसको नासा का स्पेसक्राफ्ट था केपलर इसके द्वारा डिस्कवर है वो किया गया था। अभी न्यूज़ ये आई है कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे एनालिसिस किया है इस K2-18b जो एक्सोप्लैनेट है इसको, और यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी किए हैं। और उस स्टडी से ये पता चला है कि भाई जो K2-18b जो एक्सोप्लैनेट है ना, इसके इन्वायरमेंट में, वातावरण में वाटर वेपर यानी कि आप बोल सकते हो कि पानी की वाष्प के अवशेष हैं, सबूत हैं वो मिले हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि भाई वहाँ पे जीवन है वो संभव हो सकता है, क्योंकि पानी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहाँ पे है। तो ये अभी कंटेक्स्ट आया है। ये ध्यान रखना जो केपलर स्पेसक्राफ्ट था ये एक नासा की ऑब्जर्वेटरी थी जो कि 2018 में आप बोल सकते हो कि इसको मतलब सस्पेंड या आप बोल सकते हो कि टर्मिनेट कर दिया गया था। और जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो अभी भी काम है वो कर रही है। इसका काम भी बाहरी एक्सोप्लैनेट को स्टडी करने का है, ये भी नासा की है, ये आप ध्यान में रखना। इसी के साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो अगर कोई भी प्लेनेट हो, चाहे एक्जो प्लेनेट हो या और भी प्लेनेट, वहाँ पे अगर पानी और वेपर पाया जाता है ना, इसका मतलब वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, लाइफ सपोर्ट हो सकता है। तो अभी तक एक ही एक्सोप्लैनेट ऐसा मिला है सोलर सिस्टम के बाहर जहाँ पे कुछ इस तरह की मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखी गई हैं। ये जो एक्सोप्लैनेट है K2-18b, ये हमारी अर्थ से 118 लाइट ईयर, देखो लाइट ईयर है, ये ध्यान रखना डिस्टेंस का वो है माप करने वाला, जैसे किलोमीटर में हम डिस्टेंस को तो ट्रेवल देखते हैं या माइल्स में देखते हैं, उसी तरीके से लाइट ईयर है वो भी डिस्टेंस की एक ट्रेवलिंग मेथड है, मतलब कि डिस्टेंस कैसे है। इसी के साथ ही हमारी अर्थ का से इसका जो मास है वो है 8 गुना ज्यादा है। तो ये आपको कुछ फैक्ट हैं वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे साल्मोनेला के बारे में। तो क्या है यहाँ पे साल्मोनेला, ये हम एक बार देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा कंटेक्स्ट देखते हैं। देखो कंटेक्स्ट बेसिकली ये था कि जो MDH मसाले की ब्रांड है जो कि इंडिया का काफी पॉपुलर और प्रतिष्ठित ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट यूएसए में भी जाते थे। तो यूएसए में जो कुछ मसाले थे जो इंडिया से जा रहे थे एक्सपोर्ट होके इस MDH कंपनी के, वहाँ पे एक्चुअली ये साल्मोनेला जो आप बोल सकते हो बैक्टीरिया है ये पाया गया था, इसीलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया सारे स्टोर वगैरह से। तो हमारे लिए कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ये साल्मोनेला क्या है।
देखो सालमोनेला एक बैक्टीरियो का ग्रुप है जो कि बेसिकली जो फूड रिलेटेड जो डिजीज होती है या फूड पॉइजनिंग है ऐसी बीमारियों का एक जिम्मेदार कारण है, वो होता है। इससे जो डिजीज होती है उसको बेसिकली साल्मोनेलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। देखो WHO ने ये बताया था कि भाई डायरिया, डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन हो जाते हैं, अतिसार जिसे कहते हैं, तो डायरिया होने का एक इम्पोर्टेंट रीजन है साल्मोनेला बैक्टीरिया, क्योंकि यह पेट में कोई भी प्रॉब्लम आप देख सकते हो, अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह हो रही है तो ऑब्वियसली डायरिया है वो हो जाता है। तो डायरिया होने के जो तो चार इंपॉर्टेंट कारण है उसमें से एक इंपॉर्टेंट कारण है साल्मोनेला बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है वो मेनली एनिमल्स में भी पाया जाता है और इसी के साथ ये ऐसी बात नहीं है, जंगली जानवरों में भी नॉर्मली पाया जाता है, यानी कि डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल दोनों में है इजीली पाया जाता है। देखो ये अगर ये बैक्टीरिया से कोई भी पर्सन इफेक्ट पीड़ित हो जाता है या इफेक्टेड हो जाता है तो 2 4 दिन में ऑटोमेटिकली या स्वतः भी ठीक हो जाता है, अदरवाइज नॉर्मल मेडिसिन से भी मतलब इसका रिकवर है, ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। इसी के साथ ही जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए जैसे अंडे हो गए, पिग्स हो गए, कैटल हो गई और जो पालतू जानवर हैं इनके अंदर भी ये नॉर्मली पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि मेनली खाद्य जनित बीमारियां फैलाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है रोहिंग्या रिफ्यूजी के बारे में। बहुत लंबे टाइम से 2 3 साल से ये लगातार सुर्खियों में रहा है रोहिंग्या रिफ्यूजी का। देखते हैं क्या है रोहिंग्या रिफ्यूजी। देखो रोहिंग्या पहले हम मैप देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। ये रहा, ये देखो यहाँ पे बांग्लादेश का मैप दिख रहा है और ये यहाँ पे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये यहाँ पे बर्मा या आप जिसे बोल सकते हो जिसका आज के नाम है म्यांमार। तो म्यांमार का एक प्रोविंस है, एक प्रांत है जिसका नाम है रखाइन स्टेट, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस रखाइन स्टेट में क्या है, दो कम्युनिटी हैं, एक तो है रोहिंग्या कम्युनिटी और एक है बुद्ध कम्युनिटी मतलब बौद्धिस्ट कम्युनिटी। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसकी वजह से रोहिंग्या रिफ्यूजीज का क्राइसिस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सुर्खियों में रहा था। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस एरिया में रोहिंग्या लोग वो रहते थे, एक कम्युनिटी के लोग जिनको बेसिकली यहाँ से भगा दिया गया, आप बोल सकते हो कि उनको प्रताड़ित किया गया, उनको एक्सप्लोइट किया गया। तो फिर ये लोग धीरे धीरे क्या है इस रास्ते से होते हुए बांग्लादेश में इंटर हो कर गए थे। तो अभी हुआ सीन ये था कि बांग्लादेश से वापस इनको म्यांमार में ले जाया जा रहा था, बट इन लोगों ने जाने से म्यांमार में मना कर दिया कि भाई हमें वहाँ पे वापस से एक्सप्लोर किया जाएगा तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा मामला वापस सुर्खियों में आया है। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पे सीन है वो चल रहा है। देखो सबसे पहली बात है कि रोहिंग्या रिफ्यूजी है वो एक एथनिक ग्रुप है रोहिंग्या, जो कि मेनली मुस्लिम कम्युनिटी है और ये ध्यान रखना ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कम्युनिटी है रोहिंग्या, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोइट है वो किया गया है और इनमें माइनर्स वगैरह जो माइनर लोग होते हैं मतलब जो काफ़ी बच्चे हैं उनके साथ भी टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, ऐसे काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, ह्यूमन राइट वायोलेशन के भी इशू सामने आते हैं। और मैं ये केवल देखा जाए तो म्यांमार में ही पाए जाते हैं या म्यांमार में ही मेनली कम्युनिटी है वो है, बट इनको वहाँ पर प्रॉपर सिटीजनशिप है वो नहीं दी गई है, मतलब इनको 100% सिटीजनशिप म्यांमार की नहीं है, इनको वहाँ पे एक तरीके से रेजिडेंस फॉरेनर या फिर एसोसिएट सिटीजन का दर्जा है वो दिया गया है, मतलब वहाँ के लोकल निवासी इनको नहीं माना जाता, इसीलिए इनको ज़्यादा प्रताड़ित वो किया जाता है। बेसिकली जो ये एथनिक ग्रुप है ये इंडो आर्यन पीपल हैं उनके काफ़ी क्लोज हैं मतलब, और या फिर हम बात करें कि बांग्लादेश में जो सिन्नो तिब्बतन लोग हैं उनके काफ़ी क्लोज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडो आर्यन पीपल के काफ़ी क्लोज हैं। अभी देखो कुछ टाइम भी क्या था कि जो ये म्यांमार का रखाइन प्रांत था यहाँ पे एक तो ये रोहिंग्या मुस्लिम और इसी के साथ ही वहाँ पे रखाइन में बुद्धिस्ट लोग थे, इन दोनों के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो कि वायलेंस होना शुरू हो गया था, इसकी वजह से इन लोगों को वहाँ से बाहर है वो भगा दिया गया था, मारा पीटा गया था। तो ये मामला न्यूज़ में रहा था तो हमने देख लिया कि रोहिंग्या रिफ्यूजी है क्या। तो कई बार UPSC पूछ लेती है कि जैसे UPSC ने एक बार पहले भी पूछा था कि कुर्द हैं वो कहाँ पे हैं, कुर्द कम्युनिटी, कुर्द कम्युनिटी आपको पता होना चाहिए मिडिल ईस्ट में मेनली, तो इसीलिए जो न्यूज़ में रहती है वो कम्युनिटी के बारे में UPSC कई बार पूछ लेती है। अब जैसे रोहिंग्या के बारे में भी पूछा बट फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। देखो कंटेक्स्ट ये न्यूज़ ये आई है कि इंडिया ने अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब है इसको ज्वाइन है वो किया है, इसका मेंबर बन गया है इंडिया। तो हम एक बार देख लेते हैं कि भाई है क्या ये और क्या किस तरीके से काम हो करता है। देखो ये जो हब है ये बेसिकली 2018 में लॉन्च वो किया गया था और 2017 में जब G20 का समिट होता तब इसका अनाउंसमेंट हुआ था,
मतलब G20 का सबमिट हुआ था, उस दौरान अनाउंसमेंट हुआ कि हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए एक रिसर्च डेवलपमेंट हब है वो बनाएंगे, और 2018 में इसको बनाया गया था जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 71 सेशन आयोजित किया गया था, उस दौरान इसको बनाया गया था। काम क्या है इसका? इस सब का काम देखो ये है कि एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस फैल जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में जो एंटीबायोटिक हैं वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो उसको लेके रिसर्च करना कि भाई कौन कौन से रीजंस की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप होता है, कैसे उस गैप को हम फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से ज़्यादा क्रिएट होता है, तो कैसे हमें उन मेडिसिन की तरफ फोकस करना चाहिए, कौन सा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह है, तो इस एरिया में रिसर्च करने के लिए बेसिकली स्टार्ट है वो इनिशिएटिव किया गया है ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बायोटेरिज्म के बारे में। देखो बायोटेरिज्म एक टेरिज्म का ही एक प्रकार है, ये एक आप बोल सकते हो कि नई एडवांस तरह का मेथड है, वैसे पहले भी ये न्यूज़ में एक दो बार रहा है, ये एक टेररिज्म का नया फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, या फिर और भी तरह के जम्स हो गए, इनको क्या है एक कंट्री में या आप बोल सकते हो कि दूसरे एरिया में स्प्रेड है वो कर दिया जाता है, यानी कि जैविक एजेंट हो गए, जैसे कोई बैक्टीरिया कोई वायरस का अटैक कर दिया किसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का एक टेररिज्म का नया मेथड है। कंटेक्स्ट बेसिकली यह है कि अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा है कि भाई बायो टेररिज्म है, इस थ्रेट के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और जो हमारी मतलब SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं उसको बेसिकली वहाँ की जो आर्मी फोर्स को इस बारे में अलर्ट रहना चाहिए या इस चीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए, मतलब कि कैसे हमें तैयारी करनी है मेडिकल सर्विस वगैरह को लेके, ताकि इन केस ऑफ फ्यूचर अगर ऐसा कुछ थ्रेट हो भी तो हम पहले से तैयार हों रहें। क्योंकि आज के टाइम पे देखो टेररिज्म के नए नए तरीके हैं, जैसे कि पहले के तो अलग मेथड होते थे, आज के टाइम पे आपको पता है कि मानव ही बम बन जाता है, तरह तरह के लोगों की आइडियोलॉजी चेंज की जाती है, तो ऐसे में एक बायो टेररिज्म बहुत बड़ा इश्यू है वो हो सकता है, और इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए अलर्ट किया बोल सकते हो कि हमें मेडिकल सर्विस की तरफ फोकस करना है। ये ध्यान रखना है कि जो नया थ्रेट है ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि नई टेक्नोलॉजी का ही एक टाइप है, इसमें बाकी जो हथियार है वो नॉर्मली डायरेक्टली काम नहीं करते। अब भाई बायो आपने बैक्टीरिया फैला दिया, कोई वायरस स्प्रेड कर दिया किसी कंट्री में, तो वहाँ आप कौन सी टेक्नोलॉजी काम लेके आओगे, मतलब कौन सी बंदूक से थोड़ी काम चला लोगे, तो वहाँ तो आपकी मेडिकल सर्विस काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप उस पर मतलब कमांड है वो कर सको। इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हो स्टार्ट है वो बात कही है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़, तो फिलहाल की न्यूज़ में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।